बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ यू गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम आपके जो सबसे ज्यादा मुझे रिसीव होने वाले क्वेश्चन हैं एसपीएसएस के हवाले से, आज से हम उन क्वेश्चंस को वन बाय वन एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कोका मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। यू कैन सी माय नंबर, यू कैन सी माय ईमेल एड्रेस एंड यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन हैव अराउंड 300 वीडियोस। Once again, thank you very much for writing to me, sharing your comments and suggestions, everything. You're always welcome on it, right? अच्छा जी, आज से हम इसको शुरू करेंगे कि एसपीएसएस में डेटा कैसे एंटर करते हैं। तो जो हमारे पास तीन किस्म के डेटा होते हैं, पैनल डेटा होता है, टाइम सीरीज डेटा होता है, क्रॉस सेक्शन डेटा होता है। तो हम आज शुरू करेंगे क्रॉस सेक्शन पे। अच्छा, बाय द वे, इन तीन डेटाज में क्या फ़र्क है, इसके लिए एक अलग से वीडियो है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहरहाल हम यहाँ पे देखेंगे जी क्वेश्चन एयर को कैसे एंटर करते हैं। मैनेजमेंट साइंसेज के, सोशल साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके अक्सर जो डेटा होता है वो सर्वे या क्वेश्चनेयर वगैरह होता है, तो उसको डेटा कैसे एंटर करते हैं। सो आप रेडी हैं जी? ओके, आई होप यू विल हैव पेंसिल एंड कॉपी, नोटबुक्स एटसेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये हमारे पास एसपीएसएस है, इसको आप क्लिक करते हैं तो आपका ये एसपीएसएस है वो ओपन हो जाता है। जब आप क्लिक करेंगे तो मोस्टली ये विंडो अपीयर होगी। इस पर ये है टाइप इन डेटा, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके okay. ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो सॉरी ये जो विंडो ओपन होती है, इसमें हमारे पास दो व्यूज हैं, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। तो हम वेरिएबल व्यू को क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी डेटा एंट्री का आगाज करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास एक क्वेश्चनेयर, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चनेयर है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसको भी हम पार्शली एंटर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चनेयर को कैसे एंटर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ठीक है, तो आमतौर पे आपने देखा होगा जो क्वेश्चनेयर होता है उसके स्टार्ट में कुछ डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे एज है, एजुकेशन है, डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस, जेंडर वगैरह वगैरह, इस किस्म के वेरिएबल। तो हम इनमें से एक दो एंटर करके देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। ठीक है, सो सबसे पहले है हमारे पास एज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज। ठीक है, जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे या डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज को एंटर कर देगा। अच्छा, इसमें आपके जो करने का काम है वो नंबर वन पे है लेबल, तो इसमें हम लेबल इसको दे देंगे एज ऑफ रिस्पोंडेंट। ठीक है, यानी रिस्पोंडेंट की एज ये वहां पे लिखा आता है। अब इसको वैल्यूज क्या देनी है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो अपीयर हो जाएगी। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे एज में कितने हैं, पांच किस्म की कैटेगरीज हमने बनाई हैं। बास क्वेश्चनेयर में दो होंगी, चार होंगी, जितनी भी हैं। अब पहली जो कैटेगरी है वो 25 साल से कम लोगों की है, दूसरे 26 से 35 हैं, 36 से 45 हैं, 45 से 55 हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फर्ज करें हम इसको जरा एंटर करेंगे तो कैसे करेंगे, नंबर वन है हमने 25 ईयर से जो कम लोग हैं उनको हमने नंबर वन दे दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे वन वैल्यू और लेबल में लिख देंगे लेस देन 25। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एड और ये हो जाएगा हमारे पास आगे। अब दूसरे में, दूसरा पे क्या है 26 एंड 35, तो वैल्यू 22 हो जाएगी 26 से 35। ठीक है, इसको भी ऐड कर देंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है 36 से 45, 36 से 45। ठीक है, इसको भी ऐड कर दें। इसी तरह आपने बाकी भी ऐड कर लेने हैं, चार पांच जितने भी होंगे आपके क्वेश्चनर पे डिपेंड करता है। तो ओके कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे। अब इसका क्या मकसद होता है, जब रिस्पोंडेंट के पास क्वेश्चनर जाता है तो वो जाहिर है इनमें से किसी एक को टिक करेगा, जिसने लेट सपोज टू किया है, तो बस आप उसको यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो आपको आसानी होगी, यहाँ पे आपने टू लिखना होगा तो आ जाएगी। अभी यहाँ पर नहीं, वो मैं बताऊंगा बाद में कैसे लिखना है। नंबर सेकेंड पे वेरिएबल है हमारे पास एजुकेशन, अब यहाँ पे हमने डाल दिया एजुकेशन। ठीक है, एंटर कर दिया, अगेन इधर लिख देंगे जी एजुकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट। ठीक हो गया। अब इसमें भी हमारे पास इसी तरह कितनी कैटेगरीज बनी है, छह कैटेगरीज बनी है, मैट्रिक वाले हैं, हायर सेकेंडरी वाले हैं, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, एमएस। हो सकता है आपके क्वेश्चनेयर में एजुकेशन का वेरिएबल ही ना हो, लेकिन बहरहाल जो भी होगा उसको आपने इस तरह से एंटर करना है। ठीक है, तो वन पे हमारे पास क्या है एसएससी, इसी तरह से क्लिक करेंगे
यहाँ पे आ गया वन, तो हमारे पास है एसएससी यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी वाले, ऐड कर दिया। नंबर टू पे है हमारे पास है बैचलर, ठीक है बैचलर। मैं क्विकली ऐड कर रहा हूँ, आप स्पेलिंग वगैरह को मैं नहीं देख रहा क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे डेटा एंट्री को सीखना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है मास्टर, ठीक है। तो इस तरह से ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड कर देंगे। इसी तरह आपने मैरिटल स्टेटस को, या जेंडर है, या डिपार्टमेंट है, जो भी है, आपने इस तरह उसको सारे ऐड कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर है। अब आ जाते हैं जो हमारे सब्जेक्टिव वेरिएबल हैं उनको कैसे करना था। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन एयर है ये इमोशनल इंटेलिजेंस पे है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखें इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स हैं। ये हैं जनाब 33 स्टेटमेंट्स हैं, इसके बाद जॉब परफॉर्मेंस आएगा। तो 33 स्टेटमेंट्स को भी हमने वन बाय वन एंटर करना है। तो मैं चंद एक आपके लिए कर दूंगा और बाकी भी इसी तरह ही करनी है। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल है, ठीक है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं ई आई वन। वन का क्या मतलब है, ये जो पहली स्टेटमेंट अभी हम एंटर करने लगे हैं, तो लेबल में हम इसको उठा के यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर वैल्यू डालना, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें जो कैटेगरीज हैं, एक मिनट, ये है, ठीक है जी। तो क्या है, नंबर वन पे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है, नंबर टू पे डिसएग्री है, नंबर थ्री पे न्यूट्रल है, नीदर एग्री डिसएग्री, फोर पे एग्री है, और फाइव पे क्या है, स्ट्रॉन्गली एग्री। तो इसी तरह हम कर देंगे, वन पे हमारे पास था स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, तो मैंने शॉर्ट में एसडी लिख दिया, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। नंबर टू पे हमारे पास था डिसएग्री, ऐड कर दिया। नंबर थ्री पे हमारे पास था नीदर एग्री नॉर डिसएग्री, फोर पे हमारे पास है एग्री, और फाइव पे है हमारे पास क्या, स्ट्रॉन्गली एग्री, ठीक हो गया। तो ये हमने इधर ऐड कर दिया। तो ये अब इमोशनल इंटेलिजेंस की जो पहली स्टेटमेंट है वो एंटर हो गई। इसी तरह हम कर लेते हैं ई आई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस टू, सेकंड स्टेटमेंट। इधर इसको यहां से उठा लिया, और ये आप कोई एक वर्ड भी लिख सकते हैं अपनी याद दहाने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा का पूरा लिखें। अच्छा, अब इसको बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं है फिर स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री को। इसका आसान तरीका यह है कि पिछले वाले को यहाँ से कॉपी करें और इधर इस खाने में पेस्ट कर दें। अब देखें इसके अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी आई हुई हैं, समझ आ रही है बात की। तो ये हो गया, अब आपको बार बार वन एग्री, टू एग्री, डिसएग्री, थ्री के लिए डिसएग्री, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इधर सारे आपके सामने ऑलरेडी स्केल नजर आ रहे हैं, ऑर्डिनल नॉमिनल ये सारे यहाँ नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसको भी हम कर देते हैं, ये हमारा पहला जो था नॉमिनल पे था, ठीक है, ये भी नॉमिनल पे है, और ये हमारा जो हो गया स्केल पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेसेस है ये इंटरवल और रेशो को स्केल कंसिडर करता है। अच्छा, ये अब आ गया, दूसरा हमारे पास आ जाएगा ई आई थ्री, थ्री स्टेटमेंट उठा लेंगे यहाँ से, आई एक्सपेक्ट दैट आई विल डू व्हाटएवर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे एज इट इज दोबारा सारी कहानी लिखने के बजाय पुराने वाले को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से करके आपने सारी 33 या जितनी भी आपकी स्टेटमेंट है वो आपने कर लेनी है। नंबर टू, अब हम आ जाते हैं दूसरा वेरिएबल, ये सारे आपने इसी तरह एंटर कर लेने हैं, यानी जितने भी आपके क्वेश्चन उस वेरिएबल की जितनी भी स्टेटमेंट है वो कर लेंगे। सिमिलरली अब हमारे पास दूसरा वेरिएबल है जॉब परफॉर्मेंस का, तो हम यहाँ लिख देते हैं जे P1, ठीक है, एंटर। यहां पर हमने लिख देना है इसका पहला ये स्टेटमेंट, यहां से कॉपी पेस्ट हो गया, और अगेन इसका भी स्केल वही है, एग्री डिसएग्री वाला, ये वही वाला। अगर ये चेंज होगा तो आपने भी यहाँ पे दोबारा से एंट्री करनी है, अगर ये वही वाला है तो आसान सी बात है, इसको भी यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। देखिए ऊपर वाला स्केल है, वन स्ट्रांगली डिसएग्री, टू डिसएग्री, ठीक है। इसी तरह इसके सेकंड वेरिएबल को भी कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा JP2, ठीक है। जब ये हो गया, इसके बाद जो है इसी तरह इसको चले मैं एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे आ गया आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो भी है, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, और इसको भी यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे
पेस्ट कर दी, ठीक है। ये दूसरा हमारा वेरिएबल इंटर होगा। इसी तरह अगर आपके पास तीसरा वेरिएबल है सुपरवाइजरी सपोर्ट यहाँ पे है, चौथा वेरिएबल हमारे पास ओसी है यानी ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है, यानी जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं वो इस तरह से करके वन बाय वन आपने सारे एंटर कर लेने हैं, तो ये आपको पूरी वेरिएबल की एंट्री मुकम्मल हो जाएगी। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो आप इधर से आके डेटा व्यू में जाके देखेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपके पास वेरिएबल आ गए, हमने एज को एंटर किया था, एजुकेशन को एंटर किया था, EI 1, 2, 3 किए थे, JP 1, जॉब परफॉर्मेंस 1, JP 2, तो जितने वेरिएबल होंगे वो यूं इधर करके आपके आ जाएंगे। लेट सपोज अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के 33 जो आइटम्स सारे एंटर किए होते, जैसे अगर हम करते तो यहाँ पे AI 1, EI 2, EI 3, EI 4 करते 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 यहाँ पे आ जाते, तो जो आपने डेटा वहाँ एंटर किया होगा यहाँ पे आपको डेटा व्यू में नजर आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया क्वेश्चनेयर एंटर। अब जब लेट सपोज आपके पास रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे कि जी आपके पास जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो फर्ज करें पहला जो बंदा था उसने रिस्पॉन्ड किया है, तो उसने यहाँ पे सबसे पहले उसके पास जो क्वेश्चनेयर गया तो उसकी एज थी लेट सपोज 22 साल, तो उसने पहले वाले को टिक किया होगा तो यहाँ पे आपने 1 कर देना। इसी तरह उसकी एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल बैचलर थी तो उसने यहाँ पे 2 को टिक किया होगा तो आपने यहाँ पे 2 लिख देना, ठीक है। इसी तरह बाकी जो मैरिटल स्टेटस, मैरिड जो भी आपने लिखे होंगे, जो जो उसने टिक किया होगा, अब आपको टेंशन नहीं है, बस आपने वो सिर्फ नंबर डालने हैं 1, 2, 3 जो उसने लिखे होंगे। इसी तरह हम आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे, पहली स्टेटमेंट के अगेंस्ट उसने लेट सपोज 4 को टिक किया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर EI 1 जो हमारा इसको हम 4 लिख देंगे। इसी तरह स्ट्रांगली दूसरी स्टेटमेंट पे उसने फॉर एग्जाम्पल 5 लिखा हुआ है तो हम इधर 5 लिख देंगे, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट हमने डाली थी ये वाली, इस स्टेटमेंट पे उसने फॉर एग्जाम्पल 2 को टिक किया हुआ है तो हम यहाँ 2 लिख, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाएंगे हम, ये सारे इसी तरह एंटर कर लेंगे जो जो उसने क्वेश्चन 1, 2, 3 किया होगा। हमने पे जॉब परफॉर्मेंस पे फॉर एग्जाम्पल उसने पहले स्टेटमेंट पे 1 डाला हुआ है तो हम जॉब परफॉर्मेंस यहाँ 1 डाल देंगे। सेकंड स्टेटमेंट पे मिसाल के तौर पे उसने इसको टिक किया है 4 को तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। सो इस तरह से करके आपने डेटा एंटर करना है, तो जिसने जो जो लिखा होगा इस तरह से करके आपने डेटा एंटर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपके पास सारा डेटा आ जाएगा, जिसको फॉर एग्जाम्पल किसी की मैट्रिक इसकी एज 35 है, 6 है, जो भी है, तो यूं करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस तरह करके जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसका डेटा आपके पास इस तरह से इंटर होता चला जाएगा। सो इस तरह से आप करेंगे तो आपका सारा का सारा डेटा एंटर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने ज़रा थोड़ा सा क्विक किया है क्योंकि ये मोस्टली ये चीज़ें आमतौर पर स्टूडेंट्स को मालूम होती हैं, फिर छोटी मोटी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि एक एंट्री कर ली तो दूसरी भी उसी तरह करनी है, तीसरी भी उसी तरह करनी होती है। सो थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ब्लेस्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। टेक केयर।